नहीं, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और किस्म का समोसा बना रहे हैं जिसकी फिलिंग है चिकन मैक्रोनी। मैक्रोनी फिलिंग है उसकी, ठीक है। उसके लिए मैंने चिकन ली है, मैक्रोनी बॉयल ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, रेड फूड कलर, ऑयल, सिरका और दही ली है। कितनी कितनी क्वान्टिटी है? एक कप मेरे पास ये बोनलेस चिकन है, ठीक है। एक कप मेरे पास ये बोनलेस चिकन है, छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं उसकी। और एक कप मेरे पास जो है ये भर के मैक्रोनी बॉयल है। 2 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है। हसबे जायका नमक डालेंगे, चेक कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने भर के कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 चुटकी मैंने रेड फूड कलर लिया है, 2 टीस्पून मैंने सिरका लिया है, 1/2 प्याली दही ली है, ठीक है, और 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, ठीक। इनके लिए हमने जो है वो 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और 2 मैंने मेजरिंग ये कप मैदे लिए हैं, 1 डाल दिया है, 1 और डाल लिया, ठीक है। अब हम इसके जो है वो 2 कप मैंने मैदा लिया है, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब हम इसको गूंदेंगे। कर लिया। अब इसको ढक के हम 20 मिनट के लिए, 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। ऑयल गरम करा, अब हम इनकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चिकन डालेंगे, जैसे इसका कलर चेंज होता है ना, व्हाइट की तरफ जाती है, फिर हम इसमें सारे अपने मसाले शामिल करेंगे। कुटी हुई काली मिर्च, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और रेड फूड कलर। चुटकी हमने रेड फूड कलर डाला है, दही शामिल करेंगे, थोड़ी हमारी फ्लेम जो है वो मीडियम से हाई पे है। सिरका शामिल किया, अब हम इसको ढक के रख देंगे कि ये थोड़ी गल जाए, 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे कि ये गल जाए और पानी खुश कर। मीडियम से लो की फ्लेम में जो है हमने इसको 10 मिनट पकाया है, ठीक है। हमारी चिकन बिल्कुल गल गई, अब हम इसमें मैक्रोनी शामिल कर करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। एक 2 मिनट तक बस इसको इस तरह मिक्स करके चूल्हा बंद, हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब हम अपने समोसे बेलना शुरू करते हैं, चूल्हा बंद। हम अपने मिक्सचर को जो है ठंडा करेंगे, ठंडा करके हम इन बोटियों को जो है वो ज़रा श्रेडेड श्रेडेड कर लेंगे, ठीक है। ये ठंडा हो गया, मैंने इसमें 1 टेबलस्पून स्लाइस प्याज, 1 टीस्पून हरा धनिया और 1 हरी मिर्च जो है वो बारीक चॉप करके डाल दी। और हमने अपने चिकन के पीसेस को देखें बिल्कुल बारीक श्रेडेड कर लिया, ठीक है। अब हमारी फिलिंग रेडी है, ठीक है। अब हम डो की तरफ चलते हैं। ये देखिए हमारे 20 मिनट हो गए, आटा बिल्कुल रेडी है।
हाथों पे खुश्की लगाएंगे और पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बनाया, आटा डस्ट करेंगे और रोल करेंगे इसे। चिकन टिक्का मैक्रोनी चटाई शेप के समोसे बना। हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है। एक और से कर लेते हैं अपने। ठीक है, अच्छे से प्रेस किया, हाथ से इसे भी दबा लेंगे, ठीक है। अब उसके ऊपर जो है वो हम अपनी स्ट्रिप्स लगाते जाएंगे और कटिंग करते जाएंगे, चटाई की शेप बनाते जाएंगे, ठीक है। गरम हो गया, हमने ऑयल रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म है लेकिन मीडियम लो फ्लेम में। खूबसूरत सा कलर आ गया, इसको निकालते जाएंगे फ्राइंग करके, और देखिए डिजाइन भी कितना प्यारा लग रहा है। हमारे मजेदार से चिकन टिक्का मैक्रोनी और ये चटाई वाले समोसे रेडी हैं। उम्मीद है कि आपको भी। डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। उम्मीद है आप ज़रूर ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।